देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। विदेशी एम्बेसी में गूंजा ओम शांति का मंत्र। न्यूजीलैंड के इंडियन हाई कमीशन में ओम शांति का मंत्र गूंजा। जी हाँ, हाल ही में पानीपत ज्ञान मान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ईश्वरीय सेवाओं के लिए न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां न्यूजीलैंड में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भावना, न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर मुकेश घिया की उपस्थिति में बीके भारत भूषण ने इंडियन एम्बेसी में अधिकारियों को संबोधित किया। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट विषय पर वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सकारात्मक और खुशनुमा रहने के लिए मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। आगे न्यूजीलैंड के पापाकुरा स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर बीके भारत भूषण ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जिम और बीके भावना ने भी सदैव परमात्मा की याद में रहने का आह्वान किया। खुशियों की खोज में सेवा केंद्र पर लगी भीड़। करनाल के सेक्टर 9 के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित खुशियां आपके द्वार शिविर के 6वें, 7वें और 8वें दिन भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आत्मदर्शन एवं आत्म अनुभूति, परमात्मा की सत्य पहचान और राजयोग से कर्मों में कुशलता कैसे लाए, जैसे टॉपिक्स पर मुख्यालय से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके ओंकार ने सभा को मार्गदर्शित किया। छठे दिन करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, RPIIT के डायरेक्टर अंशुल शर्मा, चीफ इंजीनियर महिपाल सिंह, अमृतधारा हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर द्रव गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। मुझे हर बार ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से कुछ न कुछ ऐसा सीखने को मिलता है और मैं अक्सर जाती हूँ तो कहीं ना कहीं कोई नई बात, कोई नई सोच देख कर आती हूँ। तो जब पहला लेक्चर मैंने इनका सुना तो दो तीन टैगलाइन इन्होंने दे दी कि जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन तो जीने का नाम है और आनंद से जीने का नाम है, सबको माफ करते चलो और आगे बढ़ते जाओ। तो ये एक कुछ बातें थी जो दिल में छप गई। मैं यहाँ से निश्चित तौर पर श्याम को एक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके जाऊंगा कि जो हम जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में छोटी छोटी बातों को लेकर अशांत हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा आज के बाद कि निश्चित तौर पे उसमें कुछ बदलाव है। आगे मुख्य अतिथियों में जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा, नव चेतना मंच अध्यक्ष SP चौहान ने दीप प्रज्वलन कर 7वें दिन कार्यक्रम की शुरुआत की। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करने के लिए राजयोग कारगर है। हम सब को इस प्रकार का जो एक किस्म से सानिध्य मिलता है, प्रेरणा मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है जब हम किसी परमात्मा के घर में जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। भगवान किसी को खाली हाथ नहीं भेजता और मुझे आशा है जिस आशा के साथ मनोजमत वाली वाली आशा नहीं, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ हम भगवान के घर में जाते हैं तो डेफिनेटली भगवान हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। 3 दिन जो कार्यक्रम हमने अटेंड किए उसमें बहुत कुछ हमें पता चला, भगवान शिव के बारे में पता चला। आज से पहले तो हम भी भगवान शिव को और शंकर जो भगवान थे उनको एक ही मानते थे, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों का ज्ञान हुआ कि हमें जो हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं ये देवी देवता हैं, भगवान तो सिर्फ एक है, भगवान शिव जो निराकार है। शिविर के 8वें दिन विधायक एवं वन विकास निगम हरियाणा के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा और डॉक्टर संगीता दुरेजा ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। उन्होंने माउंट आबू में हुए उनके अनुभवों को भी सभी के साथ साझा किया। मुख्य वक्ता बीके ओंकार का यही कहना था कि यदि आपके तार परमात्मा से जुड़े हैं तो उनके गुण व शक्तियाँ आप में स्वतः ही आते जाएंगे। क्योंकि बाबा के इस संदेश को जो नहीं आ रहे हैं उन तक भी ये समाचार पहुंचते हैं, तो ये जो मीडिया है ये एक माध्यम है बाबा के संदेश को सभी आत्माओं तक पहुंचाने का। माइंड कंट्रोल में राजयोग निभाता है अहम भूमिका। मुख्यालय से इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए रायपुर पहुंचे। रायपुर में अलग अलग स्थानों पर बीके शक्तिराज द्वारा जन समूह को मेमोरी एंड माइंड कंट्रोल विषय पर मार्गदर्शित किया गया।
सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को मन को कंट्रोल करने की विधि सिखाई। इस कार्यक्रम में डीन डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसी कड़ी में बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कॉलेज के प्रबंध संचालक डॉक्टर देवेंद्र नायक, डीन देवश्री सरकार की मौजूदगी रही। तो वहीं श्री सत्य सी संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर में भी विकी शक्ति राज ने सभी को आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का आह्वान किया, साथ ही राजयोग की विधि सिखाई। इसके अलावा सीआरपीएफ 65 बटालियन के जवानों को सकारात्मक जीवन शैली पर उद्बोधित करते हुए बीके शक्ति राज ने खुशनुमा जीवन के टिप्स दिए। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर के सिंह, डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह, नीरज कुमार और डेनियल एल भी उपस्थित थे। सड़क यातायात के साथ ही मन में विचारों के ट्रैफिक का भी कंट्रोल जरूरी है, यह बात बीके शक्ति राज ने यातायात थाने में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। थाने के उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार ध्रुव ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की सराहना की। मध्य प्रदेश राजगढ़ के शिव वरदान भवन में संस्था की वार्षिक थीम स्वर्णिम भारत का आधार सकारात्मक परिवर्तन विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय प्रभारी बीके मधु, किसान संघ के संभागीय कार्यकारिणी आदर्श सदस्य राम सिंह गौड़, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर गिरिराज गुप्ता, योग शिक्षक रमेश चंद्र गुप्ता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर किया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर यह समझा कि परिस्थिति अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसी को सकारात्मक चिंतन द्वारा खुशी खुशी पार कर लेना ही श्रेष्ठ कला है। इस कार्यक्रम में बीके मधु ने सभी को राजयोग का महत्व समझाया, साथ ही भारतीय पुरातन संस्कृति अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन को जन जन तक पहुँचाने में संस्था के कार्यों की जानकारी दी। सकारात्मक विचार ही योग है। योग क्या है? हमारे अंदर जो नकारात्मक चल रहा है ना, उसको खत्म करके सकारात्मक अच्छा सोचना, यही योग है। ओडिशा के सुंदरगढ़ पुत्र स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा लोगों को नशा मुक्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ। व्यसन मुक्ति हेतु निकाली गई जागरूकता रैली को केंद्रीय विद्यालय स्कूल के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें 100 स्कूली विद्यार्थियों एवं बस्ती वासियों सहित 100 ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने भाग लिया और सभी को नशा छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए अंत में नशे रूपी पुतले को कुतरा पंचायत के प्रांगण में जलाकर करीब 5,000 नगरवासियों को इससे बचने की सलाह दी गई। आगे आईटीआई के असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर रंजीत कुमार महाराणा की देखरेख में करीब 80 विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम सफल रहा। वीडियो शो के माध्यम से बीके राजीव, बीके भुवनेश्वरी, बीके वीना, बीके सुजीत समेत अन्य बीके सदस्यों ने नशे से होने वाली बीमारियों से जनमानस को अवगत कराया। यूथ में उसे मुक्त कराने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। आई अप्रिशिएट द एफर्ट बीइंग पुट बाय द ब्रह्मा कुमारीज। बच्चों को या यूथ को एक सलाह देना चाहता हूं, जो अल्कोहलिक बनते हैं वो थोड़ा सा वर्कहॉलिक बने। एंजॉय द लाइफ बाय वर्किंग, नॉट बाय टेकिंग द अदर मेडिसिंस, सो यू कैन हैव द बेटर फ्यूचर एंड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।